या किसी का, हमारे तो थी थोड़ा सा इसी से बस अंदाजा लगा लीजिए कि वहां का सीन क्या रहा होगा। या किसी का हमारे तो थी थोड़ा सा, तो देख सकते हैं आप किसी का बुरा नहीं करते तो आपके साथ में भी बुरा नहीं होगा। थोड़ा सा ऊपर मत्थे पे आया है, बहुत बहुत कम भाई कहो, बच गए बहुत, सब भगवान की कृपा थी। देखते हैं क्या हाल हुआ। स्वागत है आज आपका एक और नई प्यारी सी वीडियो में। तो ये जो ब्लॉग रहने वाला है वो बहुत ही धमाकेदार रहने वाला है। बाय द वे अभी अपने फ्रेंड से पूछता है कि ये ब्लॉग आज किस टॉपिक में होने वाला है, क्योंकि आज ये ब्लॉग जो है वो स्टार्ट कर रहा है, हम नहीं। तो अभी ये ब्लॉग स्टार्ट करते हैं और वो स्टार्ट करने वाला होली का। तो वैसे अभी होली तो आ ही रही है, बट होली में क्या, होली में बाहर चलो तो बताते हैं ये सरप्राइज सरप्राइज कुछ नहीं, यही बताओ, एक्सप्लेन करते हैं ना हम लोग। गैस अभी हम लोग एक्सप्लेन करते हैं हम करने क्या वाले हैं, बताओगे? बाहर चलो तो बता देंगे, चाहे इतनी बेचैनी है। गैस अभी हम बता रहे, अरे बताओ बताओ बताना, ऑडियंस को बताना भाई अपने। कुछ होली टाइप का करेंगे बस, इतना जानो धमाल ही होगा, आप लोग चिंता मत करिए, पर बाहर चलो सरप्राइज है। तो अभी चलते हैं हम लोग बाहर और हमें कुछ नहीं पता है कि ये क्या करने वाला है क्या नहीं। अब ये जो भी करेगा ये करेगा, सो अभी हम लोग बस देखते हैं कि क्या होगा क्या नहीं। सो अभी हम लोग चलते हैं बाहर। तो गाइस अभी हम लोग आ चुके हैं बाहर और चलते हैं, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था इस टाइम पे और यहाँ पे अभी लोग चलते हैं बाहर। इतना सस्पेंस थोड़ी कोई क्रिएट करता यार, तुम लोग तो नाटक बनाए हो, सस्पेंस होना चाहिए। अरे नाटक नहीं, ये है नहीं पीछे, इन्होंने कहा पता नहीं क्या, सास बहू का सीरियल चल रहा है यहाँ पे। ओहो क्यों, तुम देखते हो क्या सीरियल? छोटे में बहुत देखा मैंने। भैया आखिर में गंदगी चली गई। तो गाइस हम लोग आ चुके हैं लेने रंग। भैया चार पनीर, अभी हम लोग आ चुके हैं, क्या चीज, चार पीस, कच्चा पीस, चारों वैरायटी दे दो एक। हाँ आप चारों दे दीजिए अलग अलग कलर में। हाँ भैया भैया चारों ले भाई अलग अलग चारों। बेबी वाली चटनी है भैया, यहाँ पे बहुत सारे कलर है, बेबी वाली चटनी खाई नहीं थी। विक्की का ऊपर था भाई इधर है। तो हम लोग यहाँ पे अभी कलर लेने आए हैं और कलर निकलवा ही रहे हैं। सुधर और ये गाइस देखिए कार 98 भैया, पूछो लाइसेंस पे। और ये देखिए सामने कार 98 बार्गेनिंग कर रहे हैं भैया, मेरे बार्गेनिंग कर रहे हैं। हेलो, तो गाइस हमने अपने कलर ले लिया है यहाँ पे भैया, यहाँ AK-47 रखी है। इमा सोची थे सिस्टम फिट है, इमा तो तुम्हें सेट कर दे। AK-47 से छुओ ना, महंगी बहुत है। बड़ी हो गई, बड़ी नहीं हुई गे, तुम्हारा छोटे रही बंदूक, छोटे रही खाली खींची हो तो बड़ा हुई। इसको अरे उठाइयो, इसको गिर गया था। दीदी उठाइए, AK लगी है भैया। यो काया है गोला गोला पिचकारी है ना, पिचकारी भैया। तो हम लोगों ने इसको ले लिया, ले ले तो फिर चलिए होगा भाई। स्पाइडर मैन वाला मुखौटा होगा भैया, स्पाइडर मैन वाला मुखौटा होगा, इसको निकाल दीजिए। काहे हुआ, अच्छा भाई दे दे हो छोटे वाले। अच्छा एक लगा है फायदा कर रहा थे, होली मतलब है यह होते है भैया। स्पाइडर मैन के पापा मिल गए, ये बहुत भयानक है। तो हम देखे लगाए, लगा के देखो दो भैया कहते हैं। तो गाइस देखिए ये हमारे स्पाइडर मैन आज के जमाने के, और ये देखिए इनके लिए कटी। स्पाइडरमैन के पापा मिल गए हैं बीच में हमको, और भैया चालान ना काटी कोई। ये इसको पहन के चले गए तो इसका कोई चालान नहीं काटेगा, गजब मीनिंग है वाह। सो गाइस वहाँ पे हम लोगों ने रंग-वंग ले लिया है बहुत, स्पाइडरमैन साथ ही चल रहे थे। स्पाइडरमैन तो ये देखो स्पाइडरमैन, अरे देख लिया उसने, देख लिया भैया पापा। अरे आराम से, कहाँ चल रहे हो, कहाँ चल रहे हो? गोला टकाए भाई, चल कहाँ रहे हो? गोला टकाए नहरिया, चल रहे नहरिया, नहर पे चल रहे हो? हाँ। तो गाइस अभी हम लोग नहर पे चल रहे हैं और आप देख सकते हैं यहाँ पे यार आपकी एक दिक्कत है यार। क्या दिक्कत है? अबे नहरिया की नहीं आ रही होली भाई। अरे बदतमीजी ना करो,
तो नहाया नहा के बाद भाई हम लोग गोला खरीदने वाले हैं। गोला? हाँ। अरे यार गोला खरीदोगे? हाँ सच में? यस ब्रो। फिर आज हम लोग आए थोड़ा मनोरंजन करते हैं। गाइस गजब से रिएक्शन मिल रहा है और ये इसका बाइक चला रहा है। नमस्ते रहेंगे। जिदा करो यार, बहुत कमाल कमाल के रिएक्शन मिल रहा है। इसको देखने के बाद बहुत अजीब सा दिख रहा है। ओए तभी तो चलो जिदा करो। गाइस ये बहुत बदतमीज है। तो अभी आप इधर ना मेरी गाने में गुलाब का फूल देना, आई लव यू बोलना। कहाँ चल रहे हो? नमस्कार, कैसा लग रहा है? How much? बालू पड़ गई दादा के मुंह पे, बेचारे कुछ बता ही नहीं पाए। प्रैंक हो गया दादा के साथ में। आराम से चलो, आराम से। हाँ इमा कहे भैया हम जो टैंक आर्मी वाला उसके पहिया लगा इका हम कुदाई दे इका 4x4 नहीं मतलब 2x2 बना दे। बस भैया बस अब ना करो नहरिया। अरे कहाँ ले आए हो? गाइस ये हमें पता नहीं कहाँ ले आया। नहरिया नहाबे टिब्बुल में दगा दो का बम। टिब्बुल में मैंने सोचा कि मैं बम दगा दूँ। गाइस यहाँ के अगल बगल वाले लोग इतने खतरनाक रिएक्शन दे रहे हैं ना जिसका कोई जवाब नहीं। दादा भाई की तरह So हम ए, मेरे दिल के चेन भैया गाड़ी हटा लो ट्रे गए तो गाइस ये जो व्लॉग है अभी ये व्लॉग स्पाइडरमैन कर रहा है और हम लोग एक बहुत खतरनाक जगह पे चल रहे हैं। सो हमारे साथ हमारे टीम मेंबर्स भी साथ में ही हैं। भैया स्पाइडरमैन भैया पहले हम बने रहे स्पाइडरमैन। बड़ा आदमी देखा नहीं फोटो खिंचाने आ गए दिन में रात में बढ़िया है इसीलिए तो यार सुबह सुबह गांजा नहीं ये सब गलत काम हम करते ही नहीं है। तो गाइस अभी हम लोग एक लोकेशन पे जा रहे हैं जस्ट रिकॉर्डिंग के लिए। सो अभी हम लोग चाह ही रहे हैं। क्या खा रहे हो भैया? भैया टॉफी मिंटोस अकेले अकेले खा रहे हैं। ये है मिंटोस लाइफ। हम लोग वापस आ गए हैं। सो वही यहाँ और अभी हम आपको मिलवाते हैं एक और शक्तिमान से। सो देख ये रहा वो शक्तिमान। शक्तिमान आराम से आराम से आराम से आराम से। स्पाइडरमैन स्पीकिंग। सो गाइस हमारे पास आ चुके हैं ये कलर्स और पटाखे और आज हम लोग करने वाले हैं इनके साथ में धूमधड़ाका एक नंबर तरीके से हम आज यहाँ पे मजे लेने वाले हैं। सो अभी हम चलते हैं इनके साथ में और करते हैं एंजॉय। सो लेट्स सी भैया सर चैनल से बोल रहे हैं। हम लोगों को यहाँ पे पटाखे लगाने हैं प्लस गोले में भर के। हम लोग पटाखे भी लाए हैं माचिस भी लाए हैं। माचिस खाली पटाखे जगाने के लिए, इसके बाद हम लोग इसे फेंक देंगे। भैया आगे किस तरफ पा रहे हैं? गोला है ये 2 रुपए की माचिस है ज्योति जी। हम लोग आर एस लाइफ स्टाइल चैनल से बोल रहे हैं। हम लोग यहाँ आए हैं नहरिया पे गोला और अरे कह रहा भैया भूल गए ज्यादा थोड़ी कमजोर है कह रहा भैया गुलाल मिस्टर गुलाल को उड़ाने आए हैं। हम लोगों ने सोचा था यहाँ पे नहरिया पे लगा लेंगे लेकिन यहाँ पे बहुत गंदगी है। वहाँ पे कंटेनर खड़ा होते उसमें लगा दें वो हमको बहुत प्रसन्न कर देगा बोला का। नमस्कार। सो गाइस अभी हम लोग प्रॉपर लोकेशन पे पहुंच चुके हैं। बहुत हो गया फन, बहुत हो गया मजाक। सो अभी डायरेक्ट हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं और ये रहा प्रॉपर वो लोकेशन जिस जगह पे अभी हम लोग प्रेजेंट में खड़े हुए हैं। अच्छा इधर आ जाओ भैया, भैया इधर आ जाओ। नहीं इधर आ जाओ भैया। नहीं हमको शर्म लागत, हमको लाज लागत भैया। ये चूतिया है। सो बहुत ही चूतिया लड़का है। तो हम लोग यहाँ पे एक्सपेरिमेंट करने मिस्टर आर एस लाइफस्टाइल चैनल की वजह से आज हम लोग उसकी बदौलत पे यहाँ पटाखे दगा रहे हैं। दिवाली में पटाखे आदमी दगाता है, हम लोग होली में दगा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हैप्पी जर्नी। हो गया यार डर लग रहा है। अरे हमारा चेहरा तो भाई तो मुझे देखने नहीं। That's my boy.
20 रुपए से महंगा है, बहाना बिल्कुल। चलिए चलते हैं, मैं नाते ही भिजवा। चलिए करते हैं, लगाने आए हैं, मतलब गुलाल में पटाखा डाल के लगाने आए हैं। यार मुझे डर लग रहा है कि ये कहीं गिर ना जाए। लोकेशन दिखा दो भाई लोगों को। लोकेशन बहुत ही खतरनाक है, गिर ना जाए ऊपर पत्थर सत्थर। चलो करते हैं, लेट्स ट्राई। रंग घटिया क्वालिटी का दे दिया है, खराब दिया, ज़्यादा उड़ेगा नहीं। डाली, चलो करते हैं कि दो दो गुलाल डालेंगे। भैया वहाँ मजे नहीं आवत रहा, डाले हैं नारंगी बसंती। अब तो पीला डाली भैया, आज मैं ऊपर बम नीचे, मैं नहरिया के ऊपर, नहरिया मेरे ऊपर। सो गैस अभी हम लोग यहाँ वीडियो शूट करने के लिए आए थे और कुछ यहाँ आरएस स्क्वाड के बंदे आ रखे हैं। सो गैस आप देख सकते हैं, सो यहाँ पे प्यारे प्यारे हमारे आरएस स्क्वाड के बंदे आ गए। सो अभी हम लोग वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे थे, देन चल ही रहा था, बट कुछ आए तो हम लोग उनसे मिलते हैं, फिर उसके बाद वीडियो रिकॉर्ड करते हैं। ऐसे से ना कर दी हमारी दिक्कत। सो ओहो हो क्या बात भाई, क्या बात, क्या करने जा रहे हो? यार देख लियो पब्लिक का, दिखा दी तो यार, पहले पाँव दूर कर ले, कहो पाँव चढ़ा हो जाए जल्दी जल्दी। है ना बदतमीजी करते हो यार, हम सोचे थे यार दगा दे तो कहो पुलिस वाले ना आए जाए। पटाखन पर अरे करो जल्दी, करेगा ऑडियंस को कहे बेवकूफ बना रहे हो। दग गया गाइस, गाइस चूतिया लड़का था वो कुछ नहीं कर पाया, वहाँ पे मजा ही नहीं आई। तो गाइस इसने पता नहीं वहाँ पे क्या क्या करवा दिया। कैसे बंदे हो यार तुम, ये वो रेत भरी रही है। तो हम लोग यहाँ रेतीले आ गए हैं, रेतीले रेगिस्तान में, रेगिस्तान यहाँ राजस्थान में आए हैं, और देख सकते हैं हमारे पीछे रेत ही रेत, विकट रेत है हमारे पीछे। नारिया, ओह पता है क्या नारिया बंद हो गया। तो गाइस ये फ्रैंक हो गया आपके साथ, सॉरी फ्रैंक नहीं प्रैंक, फ्रैंक फ्रैंक माने कहा। अभी हम लोग चल रहे हैं ऊपर, तो गाइस यहाँ पे अभी हम लोग यहाँ ओपन में दगाएंगे, वहाँ तो इसने चूतियापा करवा दिया था, तो अभी हम लोग यहाँ करेंगे। हमारे पास आ चुका है ये गुलाल और आज हम इसको उड़ा देंगे, तो आज इसका हैप्पी बर्थडे। ओहो वाह देखो भैया, अब तुमसे भी शर्माए, ऑडियंस से तो शर्माओ भैया, बात न लगाओ यार भाई। भैया तो नहीं निकला, देखो पता नहीं छोटा नहीं बोलेंगे, वहाँ पे एक बहुत बड़ा इंसिडेंस हो गया था। कि गाइज पहली चीज़ तो हम ये बोलेंगे कि आप गोला अवॉइड करिए। सो गाइज वहाँ पे वो आपने क्लिप देखी और वो जस्ट उसमें टाइम ही नहीं मिला, वो एक बारगी फट गया। हम सिर्फ इतना कहेंगे कि कुछ भी हो जाए आप गोला अवॉइड करिए, गोला छूइए ही मत। गाइज वहाँ पे तो थोड़ा सा ये लगा और बहुत बच गए, सब भगवान की कृपा थी। और ये सो गाइज वहाँ पे क्या हाल हुआ हम क्या बताएं, आपने क्लिप देखी, वहाँ पे ये भी समझने का मौका नहीं मिला। वैसे ये जो गोले होते हैं वो अनार देते हैं, बट वो तुरंत उसी जगह स्टंट ही दग गया था, बाकी बहुत बच गए। और सो देख सकते हैं आप, और ये भाई कहो बच के बहुत 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 बच गए बस। और बाकी गाइज मेरे फ़ोन का क्या हाल हुआ वहाँ पे ये दिखाते हैं, सो देखिए वो हाथ नहीं गया किसी का, हमारा तो थोड़ा सा फेस पे आया है, देख सकते हैं आप फेस पे भाई, थोड़ा सा ऊपर मत्थे पे आया है, बहुत बहुत कम है बस। सो गाइस आप फ़ोन का हाल देख सकते हैं क्या हो गया, आप इसी से बस इस बात का अंदाज़ा लगा लीजिए कि वहाँ का सीन क्या रहा होगा। बस हम इतना ही कहना चाहेंगे, अगर आप किसी का बुरा नहीं करते तो आपके साथ में भी बुरा नहीं होगा, बट हाँ ये जो गोला वगैरह है अवॉइड करिए। मैं भी ट्राई नहीं करता हूँ ना, इतना कुछ मेरा शौक है गोला वाला दगाने का, बट वहाँ पे सिर्फ इतना था कि वो आप लोगों के लिए किया था कि हाँ एक अच्छा सा व्लॉग निकलेगा, बट हमने कुछ ऐसा एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कुछ ऐसा हो जाएगा। बाकी मेरा सिर्फ एक मैसेज यही है कि आप गोले वगैरह बिल्कुल अवॉइड कर दीजिए, 1% कोई मतलब की चीज़ नहीं है। छोटी सी
शौक में इतना बड़ा बवाल हो जाता ना जिसका कोई जवाब नहीं था, और शायद ये लाइफ टाइम इस चीज का पछतावा होता तब भी इस चीज से बच ना पाते। तो बस इतना ही कहना चाहेंगे, गोला अवॉइड करिए, रहने दीजिए, गोला मत छूइए ही मत। ये रहा वहां का कुछ सामान, देखकर बहुत